ऊपर से लोग जुलूस लगे इतना गिरा फिरा कर जला के चला। मेरा नाम अशरफ अली है, अगर नहीं मिलेगा कल तक अपने बाल बच्चों को लिया रोड पे जला देंगे, हम भी चलेंगे। कल जिन लोगों का दंगा में जो नुकसान हुआ है वो लोग अब जान देने पर उतर आया है, अगर उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जब ममता बनर्जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हड़कांड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और आज अरे जो कोई कम्युनल राइट में बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ बंद करके मैं बोल सकता हूँ। अभी की सबसे बड़ी खबर, रामनवमी के जुलूस की आड़ में हावड़ा शिवपुर हावड़ा मैदान में हुए दंगे का जिम्मेदार तृणमूल एमपी सुदीप बिंदोपाध्याय ने पुलिस प्रशासन का फेलियर होना और बीजेपी को ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि दंगा का मतलब ही बीजेपी होता है और ये बात मैं अपनी आंखें बंद करके भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब जुलूस निकालने का परमिशन उस इलाके से नहीं था तो फिर जुलूस इस इलाके से कैसे निकला। जिस पुलिस ऑफिसर्स के परमिशन पर ये जुलूस निकाला गया, सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि उस ऑफिसर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया है। एमपी सुदीप बिंदोपाध्याय ने एसटी न्यूज कोलकाता के सवाल के जवाब पर कहा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनके सर पर सीएम ममता बनर्जी का हाथ यूं ही बना रहेगा। वो काल हावड़ा में जो हुआ वो रूट में ये जुलूस नहीं जाएगा, ये ममता बनर्जी काल रेड रोड में मैंने उनका तकरीर में सुना कि मैंने कहा था कि ये रूट में नहीं जाएंगे और जो पुलिस ये काम कराया मैं उनको नहीं छोड़ेंगे, ये बात चीफ मिनिस्टर होकर उनका प्रशासन को धमक दिया। तो ये एक बात, वन सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को कल फेलियर हुआ, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बंगाल की फिजा को जो लोग, मैं आशा करूंगा कि ऊपर वाला उनको शुभ बुद्धि दे, ये करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बंगाल अपने रास्ता पर चलते। भारतीय जनता पार्टी तोहमत लगाती है टीएमसी पर, ये सब जो है ममता बनर्जी करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं सोचता हूँ कि ये एंटी बंगाल पार्टी है, नॉट एंटी तृणमूल, नॉट एंटी कांग्रेस, एंटी बंगाल। बंगाल की रैली टॉलरेट नहीं कर पाती। अब तो देखा था राहुल गांधी को मेंबरशिप पार्लियामेंट से 24 घंटे में सीज करके संसद से हटा दिया, ये क्या बात है क्या संसदीय गणतंत्र का रूप से? और वो संसद पद उन्होंने नहीं वापस पाई क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है जुडिशियरी से, तो ये ऐसा ही होते है। लेकिन बंगाल के बारे में चाहे कोई 100 दिन का वर्कर्स के लिए रुपया नहीं देते, ग्रामीण आवास योजना पर रुपया नहीं देते, ममता जी को धरना में बैठना पड़ता है, वो तो एक बात है। सरकार की तरफ से बंगाल को इकोनॉमिकली ब्लॉकेट कर दो, इसको अर्थनैतिक रूप से प्रतिबंधकता बना दो, मत रुपया दो, इसको मार दो, खाने मत दो, गांव में 100 दिन का काम चले जाने से इतना सारे आम जनता क्या करेंगे, इतना सारे बेकार लोग। और राजनीतिक स्तर में बीजेपी पार्टी बंगाल को नहीं देख पाती क्योंकि बंगाल सेकुलर स्टेट होते हैं और बीजेपी इज ए कम्युनल पार्टी। दादा आपकी पार्टी पे ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है? नहीं, यहाँ तो मेजोरिटी का वोट ज्यादा है, माइनॉरिटी का वोट तो कम है, तो कम वोट के लिए मैं बड़ा वोट को छोड़ देंगे क्या? इसका जरूरत नहीं था, तुम सेकुलर रहो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब तुम्हारा पीछे खड़ा हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी के पीछे मुस्लिम भी है हिंदू भी है दोनों ही है, क्रिश्चियंस भी है। तुम कितना सेकुलर हो सकते हो, सिख्स भी है क्रिश्चियन भी है सब है, तो सेकुलर फिलोसॉफी का ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान क्रिश्चियन। हावड़ा सिपुर पे जो हमला हुआ उसको लेके सुबिंदु अधिकारी जो है एनआईए और सीबीआई का डिमांड कर रहे हैं, वो तो हर विषय पर सीबीआई डिमांड कर देते हैं। अभी सीबीआई और ईडी ये तो अभी इनका फ्रंटल विंग बन चुका है, वो जो चाहता है वो वही करता है। इसका विषय में हम लोग पार्लियामेंट में विषय उठाते हैं, चर्चा नहीं होता है। इस बार बजट सेशन देश का पार्लियामेंट में एक दिन नहीं हुआ, नॉट फॉर ए डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीना का लोकसभा में 1 दिन 2 मिनट के लिए आए थे, ये संसदीय गणतंत्र का पक्ष में एक बिग थ्रेट एंड चैलेंज, इसको रोकना चाहिए और बंगाल को ये दिशा दिखाना चाहिए।
इसीलिए देश का लीडरशिप ममता जी को हाथ में आना चाहिए, वो ही कर सकते हैं। मेरा दीर्घ राजनीतिक जीवन में मैंने देखा हड़कांड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और आज डॉक्टर, अरे जो कोई कम्युनल राइट में बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, ये आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ, मैं 9 बार जीत चुका हूँ ये कलकत्ता शहर से, ये सुन के रखिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज नहीं किया, कोलकाता शहर से ही खड़ा हुआ और कोलकाता शहर को मैंने देखा और बंगाल को भी देखा, कभी एमएलए का रूप से, कभी सांसद का रूप से। कम्युनल राइट मींस बीजेपी, ये कोई दूसरा बात नहीं है। एक बार ये वार्ड में पदयात्रा करने के लिए आए थे हमारे भाई इकबाल, आपने ऐसा करके आंखों दिखाया, भाग गया दौड़ के, वो भी याद है, वो लोग भी जानते हैं कौन वार्ड में क्या क्या बोलना चाहते हैं। अमन बंगाल में ज्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना, शांति बहाली के लिए क्या बोलेंगे? एक ही बात कहना चाहता हूँ, काल हावड़ा में जो हुआ वो रूट में ये जुलूस नहीं जाएगा, ये ममता बनर्जी काल रेड रोड में मैंने उनका तकरीर में सुना कि मैंने कहा था कि ये रूट में नहीं जाएंगे और जो पुलिस ये काम कराया मैं उनको नहीं छोड़ेंगे, ये बात चीफ मिनिस्टर होकर उनका प्रशासन को धमक दिया। तो ये एक बात, वन सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को कल फेलियर हुआ, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, जो रायट का कोई अटेम्प्ट सारे बंगाल में कोशिश किया था, एक जगह में अचानक कर दिया, और वो विषय पर चीफ मिनिस्टर को आइडिया में थे, रिपोर्ट थे, इसीलिए उन्होंने वहां से जुलूस ले जाने के लिए बंद कराया था, ये रूट में जुलूस नहीं जाएगा, वो रूट पे जुलूस आए। तो रिस्पॉन्सिबल अनडाउटेडली बीजेपी, बीजेपी का काम ही है संघर्ष बनाओ हिंदू मुस्लिम का नाम से, और राजनीति का विभाजन धर्म का ऊपर करो, क्योंकि हर स्टेट में हिंदू मेजोरिटी होते हैं, विश्व में तो हिंदू मेजोरिटी नहीं है, विश्व में हुआ क्रिश्चियन मेजोरिटी है कि मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन ये देश में हिंदू मेजोरिटी देश में बीजेपी का नारा, बीजेपी का साथ आरएसएस है, उसका साथ बजरंगबली है, ये सब मिलके उन्होंने बंगाल को कब्जा करने का जो कोशिश करते हैं, ये आज इफ्तार का पहले दिन से मैं भी सबको कहूंगा, जो सेकुलर लोग है वो ममता का पीछे बहुत ताकत के साथ रहो और उनको मदद करो, जैसे वो ये बीजेपी को साथ लड़ सके। आपका दंगा फसाद नहीं होता, लेकिन हम हर बार देख रहे हैं कि जब भी रामनवमी हो रहा है दंगा फसाद हो रहा है, क्या लगता है? क्योंकि रामनवमी ज्यादा बीजेपी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने प्लान करके बनाते हैं, उनका प्लानिंग होता है कि ये मौका मत छोड़ो, ये मौका मत छोड़ के हिंदू वोटर को साथ लो, तो वो करते हैं विद मोटिव। दादा कल जिन लोगों का दंगा में जो नुकसान हुआ है वो लोग अब जान देने पर उतर आया है, अगर उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया, जब ममता बनर्जी आए सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों